सरायकेला जिले के निमडी थाना क्षेत्र के शहीद निर्मल महतो इंटर कॉलेज परिसर में बुधवार को वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 72वां वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ विधायिका सविता महतो, विशेष अतिथि वन प्रमंडल पदाधिकारी आदित्य नारायण ने दीप प्रज्वलित कर वन महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर कॉलेज परिसर के संतोष महतो द्वारा रचयिता पर्यावरण पर कविता सुनकर अतिथियों का मन मोह लिया। विश्वनाथ मंडल, हरिपद महतो सहित कॉलेज प्राचार्य निर्मल महतो, वन क्षेत्र पदाधिकारी शशि प्रकाश रंजन आदि ने फलदार पौधों का रोपण किया। आज हमारे जीवन के लिए ये पेड़ लगाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक ही दिन ऐसे नहीं कि आज वन उत्सव है और हम लोग सब पेड़ लगाएंगे आज सालों भर नहीं, लेकिन हम लोग को एक हर दिन पेड़ लगाएंगे और वन उत्सव का जैसे मनाएंगे, तब जाके हम और आप सब अच्छा रहेंगे। भविष्य इसी को हम लोग कैसे रखेंगे, जैसे इस स्कूल में अभी पेड़ लगाया जा रहा है, इस कॉलेज में हमको लगता है इस क्लास हिसाब के जो ये 10 पेड़ इस बच्चे लोग देखेंगे, 10 पेड़ इस बच्चे लोग देखेंगे, इस तरह अगर बांटी जाए तो बच्चे लोग अपना पेड़ को कैसे रखेंगे, वो ज्यादा उत्साह करेंगे, हम लोग कैसे इसको डेली पानी देंगे, खाद इसको कैसे करके सुरक्षा करेंगे, उसके साथ साथ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ साथ पूरे शिक्षक भी है और हम सब भी मिलकर कैसे पेड़ का सुरक्षण कर ज्यादा से ज्यादा इस पेड़ को लगानी है, यही बोल। आज क्यों हमें पेड़ पौधों की जरूरत है, क्यों इसको आज लगाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए और हमारे जीवन को स्वस्थ